सुपर बेकर्स, बेकिंग के आपके इस पैशन को एक नया आसमान देने का समय आ गया है। ये सीजन 2 है, केक का लेवल भी उतना ही ऊंचा होना चाहिए। कोई एक भी अगर आपके लिए दुआ कर रहा है ना, यू कैन रॉक। हम एक दूसरे के सपोर्ट हैं। लव यू। दैट बाइट इज वाव। हेलो एंड वेलकम टू एल्पिनलीबे जस्ट जेली बेकर स्टूडियो सीजन 2, इंडियाज फर्स्ट टेलीवाइज बेकिंग कॉम्पिटिशन, जिसमें होगा टैलेंट अपार, वही बनेगा बेकिंग सुपरस्टार। सो प्लीज वेलकम आवर 3 सुपर बेकर्स विद देयर फैमिलीज। आयुष आयुष आयुष, यू आर माय फेवरेट। क्यों? क्योंकि आप भी 15 साल के हैं, जो मेरा बेटा है वो भी 15 साल का है। हाउ कम इतनी छोटी उम्र में आपने सोचा कि मैं बेकिंग करूंगा? It was like first day of the lockdown, so it was also my mom's birthday on that day, so I thought why not bake a cake on that day only. So pura lockdown I used to bake. Very nice, very nice. Hina ji, all the best to you. Thank you, sir. Trust me, I never thought ki I would be somewhere here. It was just started ki mummy ko khana hai cake. एंड मम्मी रैंडम रेसिपीज दे रही है और मैं बना रही हूँ। आई एम नॉट एजुकेटेड, मैं सिर्फ फोर्थ स्टैंडर्ड तक पढ़ी हूँ, फर्स्ट टर्म तक। तो मेरे को ऐसा था ना कि अगर मैं ये नहीं करूंगी तो ऑप्शन नहीं होगा। आज कोई मुझे ऑप्शन देना, ट्रस्ट मी, तो आई वोंट लीव दिस थिंग। मैं एक्चुअली नेशनल टीवी पे ना एक मैसेज देना चाहती हूँ। यू कैन बी एनीथिंग, आप कुछ भी हो सकते हो। आपको बिलीव रखना है और आप इस बात पे भरोसा करना है। कोई एक भी अगर आपके लिए दुआ कर रहा है ना, यू कैन रॉक मैन, यू कैन रॉक। क्या बात है ये, ब्यूटीफुल। दृष्टि जी, आपने बेकिंग कब शुरू करी और क्यों शुरू करी? लॉकडाउन में मैंने बेकिंग स्टार्ट किया एंड सब लोगों का काम बंद था और वहाँ पे सिर्फ एक ही बेकरी थी, वो थी मेरी, जो होम बेकरी थी, और मैं सबको केक प्रोवाइड कर सकती थी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप ये कर पाती अगर इस लवली लेडी वाज नॉट देयर टू सपोर्ट यू। हाँ वंदना जी, पहले तो मैं ये बताती हूँ आपको कि आप इनकी माँ तो लगती नहीं है, आप इनकी बहन लगती है। छोटी वाली, छोटी बहन वो भी, करेक्ट। इसने जैसे किया, मैंने इसकी सपोर्ट उसमें कर दी। मेरा मन नहीं था पर मैंने फिर भी किया, इसके साथ दिया इसका पूरा। और अब मैं इतनी खुश हूँ कि हर पेरेंट्स को ऐसी बेटी मिले। मतलब आपको अपनी बेटी पे पूरा भरोसा? पूरा। यू हैव अ वेरी लविंग मॉम यार। आई एम अ वेरी इमोशनल पर्सन बट स्टिल आई होल्ड बैक माय इमोशन। एंड मैंने जब मम्मा को हग किया तो मैं वो कंट्रोल नहीं कर पाई, तो मुझे रोना आ गया। अनुश्री, फातिमा, उपज्ञा, कम ऑन, आइए आप लोग। अनुश्री, फातिमा, ऑलराइट, चलिए देखते हैं इसमें क्या है। एल्पेनलीबे जस्ट जेली फ्रूटी बेयर्स। तो आज का फ्लेवर ऑफ द डे है एल्पेनलीबे जस्ट जेली फ्रूटी बेयर्स विद 25% रियल फ्रूट पल्प एंड इम्यूनिटी बूस्टिंग विटामिन सी। तो आज का थीम है फ्रूटी फैमिली पिकनिक, जिसमें आपको इस्तेमाल करना है एल्पेनलीबे जस्ट जेली फ्रूटी बेयर्स। ये लीजिए, ये है हमारी गुड लक जेली। अब आप इन्हें अपने पेरेंट्स को खिलाइए और बोलिए ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट मॉम। ऑलराइट, तो ये स्वीट स्वीट फैमिली, आपके लिए हमने एक बहुत प्यारी पवेलियन सीट तैयार की है। सुपर बेकर्स, अपने बेकिंग के पैशन को एक नया आसमान देने का समय आ गया है। आज आपको दिए जाएंगे 2 चैलेंजेस। जो यहाँ बाजी मार जाएगा वो ही बनेगा सुपर बेकर से आज का बेकिंग सुपरस्टार। उसे मिलेगा बेकर स्टूडियो शेफ कोट, बेकर्स हैट, वो शानदार ट्रॉफी और एक अल्टीमेट बेकिंग सेटअप वर्थ 3 लाख। और इतना ही नहीं, विनर की फोटो अलोंग विद इट्स फैमिली आएगी एल्पेनलीबे जस्ट जेली के पैक्स पर, यानी आपको और आपकी फैमिली को पूरी दुनिया देखेगी। इतना कुछ सुनने के बाद तो ऑब्वियसली मन करता है कि वो सारी चीजें मेरी हो जाए, सो आई एम रेडी फॉर दैट। लेट्स टॉक अबाउट द चैलेंज। यू हैव टू मेक अ ब्यूटीफुल प्लेटेड डिजर्ट। इस चैलेंज में आपका हाथ का हुनर है पाइस एंड टार्ट्स। मुझे थोड़ा सा नर्वस भी लग रहा है एंड मैं कॉन्फिडेंट भी हूँ। इट्स अ मिक्स फीलिंग बिकॉज मैंने पहले कभी भी प्लेटेड डिजर्ट्स नहीं बनाए हैं। टाइम टू सी कि हमारे छुपे रुस्तम में क्या छुपा बैठा है। देखें, yes, on my count 3, 2, 1 all open।
हम लोगों को एक और बास्केट मिला जिसके अंदर इट हैज ऑल द एलिमेंट्स जो हम लोग पिकनिक में ले जा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आज के लिए कुणाल ट्रेजर ट्रोव को ना बंद ही कर देते हैं। हाँ, ये दुकान बंद है क्योंकि आपके पास काफी सामान है, राइट? चलेगा। ये सीजन 2 है, केक का लेवल भी उतना ही ऊंचा होना चाहिए। बट मेन टास्क क्या था पता है? आपको मिनिमम स्टफ मिल रहा है जो के बास्केट में रिवील हुआ है, एंड यू हैव टू क्रिएट समथिंग जो पिकनिक पे जाता हो। मतलब कि ये डबल टास्क है। इस कंपटीशन के लिए आपको मिलेगा पूरा 1 घंटा। जो इस राउंड का विनर होगा उसे मिलेगा एक एडवांटेज। जो हीरो इंग्रेडिएंट है उसे आपको वहां से कलेक्ट करना है। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Don't forget to pick up Alpenliebe Just Jelly Fruity Best, क्योंकि इसमें है 25% real fruit pulp. So are we ready for the picnic? Yes. Let's get our pie game on. Ready? Ready, set, bake. Rocket! Mom, you can do it. जो मेरे competitors थे हिना एंड दृष्टि, वो लोग ऑब्वियसली मेरे से बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होल्डर्स हैं। सो मुझे लगा कि इंस्टेड कि मैं अभी टेंशन लूँ कि वो लोग क्या बनाएंगे, आई थिंक आई शुड फोकस ऑन माई थिंग सो दैट कुछ ना कुछ अच्छा उससे बन के आए। आयुष, यस, क्या चल रहा है? शेफ, मैं एक टार्ट बना रहा हूँ। सो बेसिकली आई वॉन्ट टू रिप्रेजेंट इट द सेम वे हाउ बास्केट लुक्स लाइक पिकनिक बास्केट, एंड साइड में आई एम गोना एडिंग अ फ्यू ग्रीन एलिमेंट्स सो दैट इट लुक्स लाइक वी आर ऑन अ पिकनिक। परफेक्ट। नाउ 20 मिनट हो चुके हैं इसलिए आपको थोड़ा सा जल्दी करना होगा। yes, yes, yes. पिकनिक पे हमारे बच्चे सिर्फ स्वीट नहीं खाते, तो मुझे कुछ ऐसे क्रिएट करना था जो स्वीट भी हो प्लस सॉल्टी भी हो, बिकॉज़ इट्स अ पिकनिक। दृष्टि, क्या हो गया? इतने स्ट्रेस्ड क्यों लग रहे हो? टेल मी, हाउ इज इट गोइंग? आई एम मेकिंग अ टार्ट जिसमें मैं योगर्ट फ्लफ ही ऐड करूंगी, एंड अच्छी कुकिंग का फर्स्ट प्रिंसिपल ये है कि शांत दिमाग से, शांति से, क्योंकि अगर आपका ये इतना एड्रेनलिन फ्लो होगा और आप इतने स्ट्रेस हो गए तो अच्छा खासा काम खराब हो जाएगा। एंड पेस्ट्री नीड्स अ डेलिकेट हैंड, इट नीड्स अ प्रिसाइज हैंड। स्माइल, गिव मी योर हैंड। थैंक यू, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई, नर्वस हो गई कि यार कैसे कैसे यहाँ से चीज़ें उठाओ, वहाँ से चीज़ें उठाओ, बिकॉज अपनी किचन में ना आपके पास टाइम बाउंडेशन नहीं होता। किना जी, क्या प्रोग्रेस है? टार्ट का डो रेडी है फ्रीजर में। ओके, या फ्रीजर, या फ्रीजर। अच्छा, ताकि जल्दी जब क्विकली हो जाए। वेरी नाइस, ऑल द बेस्ट, साउंड्स गुड। मैं अपने काम में इतना बिजी हो गई कि वो ओवन में ही रह गई। डेट वॉज द पॉइंट कि मेरी टार्ट थोड़ी सी ओवर बेक हो गई। ओके गाइस, लास्ट 20 मिनट्स बचे हैं। कम ऑन, मैंने सारा छोड़ा। मैंने एक चीज माइंड में बनाई थी कि अगर वो प्लेटेड डेजर्ट शेफ तक जा रहा है ना तो वो खाली नहीं जाना चाहिए। आखिरी 10 सेकंड, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 That's it. Stand back and stop the bake. मैंने अपनी तरफ से मेरा 100% दिया था, तो somehow I felt के मैं फ्लेवर वाइज आ गई हूँ। I quite like the colors. Thank you, sir. Composition strong है, colors अच्छे हैं। Looks good. Nice. अच्छे से कट रहा है। I loved your plate. जहाँ आपके tart shell की बात करूँ, मुझे वो थोड़ा सा technically weak लग रहा है। थोड़ा सा मेरा confidence level काफी नीचे आ गया कि यार थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। टार्ट को अपटर्न करने की कोई वजह? या गिव इट अ लिटिल बिट मोर ड्रामेटिक लुक, इट शुड बी अ नॉट नॉर्मल। बहुत बढ़िया, सही जवाब। एक टेक्निकल पॉइंट आपकी गलत रहेगी, आपके टार्ट में चीनी नहीं है, टार्ट शेल में। बट ओवरऑल अच्छा डेजर्ट है, इट्स अ गुड एफर्ट।
really a picnic basket. Perfectly snapped start. This is a very strong dessert. Thank you. Congrats. I'm surprised 15 साल की उम्र है आपकी. Thank you, Ayush. वो maybe मेरे जो competitors हैं उनसे थोड़ा सा अच्छा है. But still, you never know, कुछ भी हो सकता है. So I was just praying, I was just standing with fingers crossed कि मेरे को ज़्यादा number मिल जाए. Ayush, आपका जो dessert था, उसके अंदर taste was king. इसलिए 10 में से हम दे रहे हैं आपको 8. आपको मिलते हैं 10 में से 8. थैंक यू. हीना जी, आपको 10 ऑन 10 बट ऑन एंथुजियाज्म. आपका प्लेट बहुत सुंदर था, कोशिश बहुत अच्छी थी. ऋषि, आपका जो डेजर्ट था उसके अंदर एक बड़ी बेसिक सी मिस्टेक थी. टार्ट वाज ओवरकुक्ड, फिलिंग वाज एक्सीलेंट. थैंक यू शेफ. हमारे पास अगर देखा जाए तो दो एक्सीलेंट फिलिंग्स थी और दो इक्वली वीक टार्ट्स. एक ओवरकुक्ड, एक में चीनी नहीं थी, फीका था. सो यू बोथ हैव अ टाई. And you get 7 out of 10. Not bad at all. Thank you so much. Jeete na jeete, kam zyada marks feel hota hai, no doubt. Human being hai, feel to honga. But I was relaxed. Jo ho raha hai, step by step jayenge. Happiness is very important for me. Haste rehna hai. Jo agla round hai, usme Ayush ko advantage milega. In the form of this advantage box. Plus advantage box mein there was different elements like mere paas ruby chocolate tha, siphon gun tha, vanilla bean and chocolate garnishes also. So filling bahut alag ho sakta hai from the other competitors. Time for ultimate bake off. Are you guys ready? Yes. To aaj ka ultimate bake off challenge hai fruity family picnic, jisme aapko istemal karna hai Alpenliebe just jelly fruity bears. और इस चैलेंज के लिए आपको मिलेंगे पूरे 2.5 घंटे. स्पंजेस हम आपको दे देंगे. इस राउंड के दौरान आपकी मदद के लिए आप अपनी फैमिली मेंबर्स को कहकर वो सुपर सेवर बजर दबा सकते हैं. यस. फैमिली के साथ साथ आपको आपके केक राउंड में हेल्प करने के लिए ऑफकोर्स यू हैव द ट्रेजर ट्रोव. 60 सेकंड है, 60 सेकंड के अंदर जितना सामान आपको चाहिए ला कर रखिए. आपके 60 सेकंड शुरू होते हैं अब. Alpenliebe Just Jelly Fruity Bears को पिकअप कीजिए. आई होप यू नो दैट इट हैज 25% रियल पल्प. रेडी सेट बेक. जैसे ही मेरा केक राउंड शुरू हुआ, मुझे ऐसा था कि मैं कुछ फॉल्ट लाइन लुक क्रिएट कर लूँ, कोई जियोड लुक क्रिएट कर लूँ. फिर माइंड में आया हीना, इट्स अ पिकनिक थीम. पिकनिक थीम से आपके दिमाग में इतनी सारी चीजें आ रही थी, मुझे लग रहा था कि मैं बहुत सारी चीजें क्रिएट कर सकती हूँ. बट अगेन द टाइम बाउंड डिश. जितना ये इजी लगता है ना, उतना इजी ये बिल्कुल भी नहीं. आयुष. हेलो सर. क्या बना रहे हो? तो मैंने सोचा है कि I'll make an entire केक जो देख के लगे कि it is picnic. From the basket, fruits, छोटे-छोटे केक्स, वो सब elements ऊपर रहेंगे. I know you're young and you're ambitious and I know इस समय you're brimming with confidence because आपका first round बहुत अच्छा गया. लेकिन I don't want you to get over ambitious. Okay. क्योंकि आपने इतने सारे नाम ले लिए, इन सब को करने में time लगता है. Don't try and do too much. Okay. दृष्टि क्या बन रहा है? शुड आई मेकिंग चॉकलेट हेजलनट केक. आई विल मेक मी माय मदर सिटिंग ऑन अ क्लॉथ. कितना काम हो गया, क्या-क्या बचा है? क्रीम बस रेडी हो जाएगी. ओके. एंड अब मैं केक को स्टैक करना शुरू कर. ओह ब्रिलियंट ब्रिलियंट, ऑल द बेस्ट. थैंक यू. एक साइड केक फ्रॉस्ट हो रहा है, एक साइड एलिमेंट्स बन रहे हैं, एक तरफ टाइम भाग रहा है. सो पूरा इट वाज अ सिचुएशन कि विल आई बी एबल टू एक्चुअली प्रेजेंट अ केक टू जजेस और नॉट. सुपर बेकर्स, अब आपके पास 1 घंटा बचा है.
मैं अपने फैमिली मेंबर को हेल्प के लिए बुलाना चाहूंगी। चलो प्रेस द बजर। I think ये सुपर सेवर्स हैं जो कॉन्सेप्ट, I think it's a very interesting concept. Very good. एक उनको हेल्प मिलेगी, दूसरा हमें बढ़िया केक मिलेगा। छोटी छोटी जो फॉन्डेंट की चीजें ना बहुत शौक से बनाती है, तो I was really relieved कि ये हेल्प मुझे बहुत काम आ रही है। So she keep doing that और मैं दूसरी चीजें तैयार करती गई। फैमिली मेंबर्स ने हमारे सुपर बेकर्स की काफी मदद की है। फैमिली मेंबर्स पेविलियन पर वापस चले जाइए प्लीज। ऑलराइट गाइस, लास्ट वन मिनट, कम ऑन। लास्ट में वो डॉग बनाया और मैंने लास्ट में उसको वहां पे प्लेस कर दिया और उस डॉग से मुझे वो बहुत कंप्लीट लग रहा था। ये मैट किससे बनाया? इट इज अ फॉन्डेंट। वेरी नाइस। एक बात तो पक्की है, यू डेफिनेटली कैन बेक। बोथ द केक्स आर सुपर्ब इन टेस्ट। थैंक यू। वेरी नाइस। इट्स अ गुड सॉफ्ट केक, थोड़ा मेल्ट इन द माउथ व्हिच आई एम लाइकिंग, लेकिन क्योंकि ये ज्यादा मॉइस्ट हो गया है, इसके जो स्ट्रक्चर है दैट हैज गॉट कॉम्प्रोमाइज। गुड जॉब। थैंक यू। हाय हीना, वाओ। जब हम पिकनिक पे जाते हैं ना, तो एक तो होती है नेचर, और नेचर के अंदर है पेड़, बादल, सूरज और एक नेचुरल ब्यूटी है। yes. उसको जो आपने कैप्चर किया है, अच्छे तरीके से कैप्चर किया, दैट्स अ वेरी गुड पॉजिटिव पॉइंट। दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल पिकनिक स्पॉट। उनका पहला कॉम्प्लीमेंट जो था ना, वो बस ऐसा लगा कि दिल को छू गया, कि वाज लाइक कि मुझे आपको पूछना नहीं पड़ेगा कि ये क्या थीम है। नाइस लेयर्स केक, काफी स्टेबल है। यू नो आई एम लिटिल डिवाइडेड कि प्रेजेंटेशन ज्यादा अच्छे है टेस्ट, लेकिन अंदर जो फ्लेवर है शायद आपने थोड़ा सेफ खेला है, थोड़ा सा रिस्क आप ले सकते थे। मे बी ऑल द वेरी बेस्ट। ऑल राइट दृष्टि जी, आपके दृष्टिकोण के हिसाब से ये केक कंप्लीट है? मैं बहुत सारे एलिमेंट्स और ऐड कर सकते थे, बिकॉज ऑफ द टाइम उतना सारे एलिमेंट्स नहीं ऐड होता। चलिए टेस्ट करते। दिस इज अ गुड केक। फ्लेवर्स जो आपने चूज किए दैट्स वर्किंग, लेकिन हम चाहते थे कि आप फ्लेवर्स में एक हीरो इंग्रेडिएंट एल्पेनलीबे जर्ज जेली को यूज करें। वो एक मिठास को काटता है उसके अपने फ्लेवर के साथ। मैंने एल्पेनलीबे जर्ज जेली थोड़ा कम डाला था, तो तब मुझे थोड़ा लगा कि यार पता नहीं अब क्या हो। सो माय फेवरेट लिटिल आयुष, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। आपकी सोच बहुत एडवांस थी, लेकिन हमें ऐसा लगा कि शायद थोड़ा एक्स्ट्रा आपने मॉइस्चर डाला टॉप लेयर में स्पेशली, और वो केक स्टेबल नहीं था, टिल्ट हो रहा था, इसलिए सेवन। आज मेरा जो दिन था दैट वाज गुड इन द प्लेटिंग। उस राउंड को जीतना इज ऑलरेडी अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर मी, बिकॉज वो ऐसी चीज है जो मैंने कभी नहीं करी है। अब हिना और फातिमा की टीम, आपने जो केक बनाया उसके अंदर एक सिंप्लिसिटी थी, सादगी थी। एल्पेनलीबे जस्ट जेली के फ्रूटी बेस जो आपने डाले, that stretchiness, it really worked well in the game. आपके स्कोर कितना था पिछले राउंड का? 7. 7. He's a bad boy. आपका इस राउंड का स्कोर है 9. Thank you so much. Congratulations. It was a brilliant game. Thank you so much. जब मम्मा को 9 पॉइंट्स मिले ना, मेरे टमी में इतनी सारी बटरफ्लाइज घूम रही थी, पर स्टिल इट वाज अ वेरी बिग सस्पेंस। लाइक मम्मा के कॉम्पिटिटर्स जो थे जिनका अभी तक मार्क्स अनाउंस नहीं हुए थे, उनको क्या आएगा? अगर उनको 10 मिल गया देन व्हाट? सो दृष्टि, जहां पर केक का जो लुक एंड फील था बहुत स्ट्रांग था, वहीं पर हमें लगा कि जो केक का टेस्ट है वो थोड़ा बेटर हो सकता है। 19-20 का ही फर्क था, लेकिन मुझे सच में अपना कैलकुलेशन में उस टाइम नहीं कर रही थी, मुझे बस ये सुनना था कि विनर कौन है।
एंड उपज्ञा एंड आई वाज ऑलवेज थिंकिंग यार 10 तो नहीं मिल जाएगा. सृष्टि, इस राउंड में आपको मिले हैं 8, which means हमारे आज के विनर हैं हिना जी. कांग्रेचुलेशंस. ये शेफ कोट, ये शेफ हैट, हमारी शानदार ट्रॉफी. सो फाइनली वो मोमेंट आ गया वेयर आई वन दिस कॉम्पिटिशन. इट वॉज सो ड्रीमी, फैमिली साथ में एंड यू आर विनिंग. मेरे भाई ने आके साथ में सपोर्ट किए, प्लस मेरे बच्चे एंड मॉम इतनी दुआ कर रहे थे, तो वो सारा रंग ले आए. अल्पली पे जस्ट डेली बेकर स्टूडियो सीजन 2 में आज सुपर बेकर्स ने बनाई एक जॉयफुल कलरफुल पिकनिक. अगले हफ्ते फिर यहाँ होंगे इंडिया के 3 सुपर बेकर्स और होगा बेकिंग का मैजिक. तो आप भी अपनी रेसिपीज में यूज करते रहिए अल्पली पे जस्ट डेली और चलते रहने दीजिए अपनी फैमिली में बेकिंग की मस्ती.